All right. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत से जो लोग हैं वो मुझसे जान पहचान वाले पूछा करते हैं कि जी घोड़ा रखने का एक्सपीरियंस क्या है, इन्हें कैसे रखा जाता है और इनका रखने के ख़र्चा क्या है। तो ये वीडियो घोड़ों की रख रखाव से रिलेटेड और इस पर अमूमन एक एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है इनको पालने की, उससे हवाले से। तो चलते हैं आगे वीडियो में, आपको मैं हर स्टेप वाइज जो है वो इसकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसकी ब्रीड के बारे में बात करूँ तो ये जो है ये परशुराम नस्ल का घोड़ा। अच्छा, पहला सवाल ये होता है कि घोड़ा रखना को मुश्किल काम है या आसान काम है। उसके बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर जो है वो रखने की जगह है, थोड़ी सी खुली जगह है, तो घोड़ा रखना को इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। अगर आपके पास जगह थोड़ी है, शहर के अंदर रखना मेरे ख्याल से घोड़े के साथ भी ज्यादती है और रखना भी मुश्किल है, क्योंकि ये खुले इलाके में रहने वाला जानवर है। ये बेसिकली इस वक्त खुला हुआ है, बंधा हुआ है, सॉरी, इस वक्त दिन में कुछ टाइम के लिए इन्हें बांधते हैं ताकि ये कायदे में रहें। अलावा अजी, इसके बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जगह बनी हुई है जहाँ पर खुला होता है, इसे खोल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रखना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपके पास नंबर वन जगह अवेलेबल हो। अच्छा जी, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई खुराक। खुराक जो है घोड़े की, वो आपकी जो है लूसन नंबर वन, जवार नंबर टू, रोड ग्रास नंबर थ्री या जोदर, ये तीन चार खुराकें बेसिकली जो घोड़ा सबसे ज़्यादा जो है शौक से खाते हैं और घोड़े को डलनी चाहिए, जिसमें सरे फेरस जो है वो लूसन है। और इस साइज़ का घोड़ा जो है वो दिन में अप्रॉक्सीमेटली जो है तकरीबन, ये फुल साइज़ हॉर्स है तो ये तकरीबन कुछ 2 से 3 मन के अराउंड, मौसम के मुताबिक, सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये इसकी एवरेज खुराक है। जबकि जो वो दूसरा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटा बच्चा है, ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो ये मैक्सिमम कोई 2-1 मन पट्टे, इससे ज़्यादा पट्टे नहीं खाता। तो ये इनकी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है पट्टों की मदद। अच्छा जी, पट्टों के अलावा अगर आपने घोड़ा जो है वो मज़बूत रखना है और आपको चाहते हैं आपका घोड़ा जान में रहे, तो उसके लिए इनको दाना देना ज़रूरी होता है। दाने में बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं, लेकिन जो बेसिक 2 कंपोनेंट हैं, 2 अज्जा जो बेसिक हैं, उसमें काला चना बारीक जो होता है वो, और आपकी जौ, ये 2 तरह की चीज़ें आपने इनको डालनी होती हैं। ये सारा साल ही इन्हें डलती हैं, वही क्वान्टिटी मौसम के हवाले से चेंज होती है और थोड़ा सा डालने का फ़र्क होता है जौ का। चने एक ही तरह से डलते हैं, जो जौ है वो मौसम के अतबार से मैं चेंज करता हूँ। वो मैं कैसे डालता हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा जी, चने डालने का तरीका ये, लोग सूखा उतरवा के डालते हैं, मैं ऐसे डालना जो है मुनासिब नहीं समझता। मैं ये करता हूँ कि सुबह के वक्त में चनों को पानी में भिगो के रख देते हैं, शाम तक वो पानी जज्ब करके थोड़े से फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। चने भिगो लिए पानी में, और साथ जो है अगर गर्मी का मौसम है तो जौ अलहदा बर्तन में धो ली। ये बात याद रखनी है कि जौ और चने एक बर्तन में नहीं भिगोने, क्योंकि जौ जब पानी में भिगोई जाती है उसके पानी में किसी ना किसी हद तक नशा आता है जो कि घोड़े के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो शाम के वक्त जौ का पानी भी अच्छी तरह निचोड़ के साफ़ करके और चनों का पानी भी अच्छी तरह साफ़ करके उन्हें मिक्स करके डाल देते हैं। इस साइज़ का घोड़ा, ये जो बच्चा है, इसको मैक्सिमम 1 किलो, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं। आप इनकी सेहतें देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट अपनी सेहत में खड़े हुए हैं। और उस साइज़ का घोड़ा आप ये देख लें, वो माशाल्लाह तकरीबन 72-73 इंचेस का शोल्डर हाइट से घोड़ा है फुल साइज़ का, उसे 1.5 किलो दाना। अब इंटरनेट पे देखना शुरू करें तो कोई घोड़े को 8 किलो दाना डाल रहा है, कोई 5 किलो दाना डाल रहा है, तो सब झूठ है। अगर आपका घोड़ा प्रॉपर काम नहीं करता, नेज़ाबाजी की पट्टियाँ नहीं भाग रहा और बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, तो 1-1.5 किलो दाना मोर देन इनफ है। और अगर नेज़ाबाजी भी करता है तो 2-2.5 किलो कर लें, इससे ज़्यादा दाने की घोड़े को ज़रूरत होती ही नहीं है। ये आधी बातें आपको झूठ बताई जाती हैं। अच्छा, दूसरा, जब आ गई सर्दियाँ, दाना सेम ही रहेगा, सिर्फ जौ डालने का तरीका कार बदलेगा। चने उसी तरह पानी में भिगो के शाम को पानी उससे निकाल के सुखा के आपने डाल देने। जौ का तरीका क्या होगा, जौ हम डालते हैं सर्दियों में पानी में उबाल के उसका दलिया बना लेते हैं। जब वो दलिया अच्छा प्रॉपर ड्राई हो जाता है वो चनों में मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि जौ की तासीर ये है कि अगर आप इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी तासीर ठंडी है, अगर आप इसका दलिया बना लेंगे तो ये तासीर गर्म जो है उसकी गर्म हो जाती है, जो कि सर्दियों में घोड़ों को गर्म रहने के लिए प्रॉपर
बड़ी कारामत साबित होती है। तो ये फ़र्क है सर्दियों में उबाल के और गर्मियों में पानी में भिगो के आपने जो है वो जौ देनी है। दूसरा अच्छा तेल का फ़ायदा जो है वो ये होगा कि ये सरसों का जो ऑयल है गर्मियों में आपके जानवर को ठंडा रखेगा, और जो तिल का तेल है वो आपके जो है सर्दियों में जानवर को गर्म करेगा। तो ये मौसम के हिसाब से आपने तेल जो है जानवरों का इस तरह से चेंज कर देना। अच्छा जी, लास्ट में एक चीज़ जो है वो रह गई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पालने की जो इनकी खुराक है ये उसके पैसे मतलब कितने। पहली बात ये है, आप किसी भी जानवर का शौक करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। आप हर चीज़ की कॉस्ट नहीं जब आपने एक चीज़ शौक से रखी हुई है, लेकिन फिर भी रफ आइडिया के मुताबिक बग़ैर किसी मतलब मुलाजिम की तनख्वाह के अगर ये जानवर 3 मन पट्टे खा रहा है या 3 मन लूसन खाता है, तो आजकल जो लूसन का रेट है वो 800 से लेके 1100 रुपए के दरमियान डिपेंड करता है वो किस क्वालिटी का है। और अगर आप इसे जवार डालते हैं अच्छी जवार ख़रीद के, तो वो तकरीबन 350 और 400 रुपए मन जो है उसके हिसाब से भी इसे कप में लग रहा है कि कुछ चीज़ इसके खाने की है। तो ये बेसिक कॉस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लें महीने से, और साथ इसके अगर आपके मुलाजिम वगैरह रहते हैं आप उसकी जो है वो पे वगैरह गिन लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली को 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम आपको एक घोड़ा जो है वो मिनिमम कॉस्ट करता है आपके। बाकी आप दाना कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो पट्टे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं घोड़े के काम के मुताबिक। तो ये एक एवरेज कॉस्ट जो है अच्छे बड़े घोड़े की वो 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो घोड़ों को रखने के हवाले से। अगली कोई वीडियो में इनकी ज़रा तरबियत और इनको डेली इनकी रूटीन क्या होती है उसके हवाले से बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।